अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और अब तक हम 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 कर चुके हैं और आज हम 1.5 का स्टार्ट करेंगे। मतलब उसके पहले क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें ये कहा हुआ है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो पहली बात ये कि ये डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट की अगर मैं डेफिनेशन करता हूँ तो उसके लिए मैं अगर लेट करता हूँ कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, लाइक मैं उसके कह देता हूँ कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जो किसकी इक्वल है, ए बी सी एंड डी की इक्वल है, लेकिन उसका स्केयर होना लाजमी है। स्केयर का मतलब क्या होता है कि 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, मतलब ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जो क्या हो, स्केयर हो, मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो। अगर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आ मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। और उर्दू में इसे मक्ता का भी नाम दिया जाता है। तो खैर, अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के लिए कोई भी स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो लेट किया वो मैंने 2/2 का एक मैट्रिक्स लेट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और सेकंड डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। डायगोनल के बारे में मे भी मैंने आपको बताया होगा कि आपके पास कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसमें ये जो एंट्रीज होती हैं ये डायगोनल, और इसे हम फर्स्ट डायगोनल कहते हैं, और इस साइड से जो एंट्री आती है इसे भी हम डायगोनल, लेकिन सेकंड डायगोनल एंट्रीज की बात करते हैं, सेकंड डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना, सेकंड डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या कि आपने पहले फर्स्ट डायगोनल एंट्री का जो मल्टीपल आया होगा उसको पहले लिख देना है और सेकंड डायगोनल एंट्रीज के जो मल्टीपल आया होगा उसको बाद में लिख देना और दोनों को माइनस कर देना। मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिख देना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में लिख देना और दोनों को माइनस कर देना। तो इसी चीज को हम यूज करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसका पार्ट अगर फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो पार्ट फर्स्ट में मेरे पास ए पड़ा हुआ है। ए मेरे पास क्या है, और दूसरी चीज कि जब भी हम मतलब उसका मक्ता ले रहे होते हैं तो उसमें हमने इस मैट्रिक्स को शो नहीं करना, हम उसको शो करते हैं यूं, मतलब दोनों साइडों पे यूं लाइनें लगाते हैं, जैसे हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं। तो इस केस में भी जब भी आप एब्सोल्यूट लेने के लिए जा रहे होगे तो पहले आपने दोनों साइडों पे दो लाइनें लगाती है। मतलब मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी करना क्या है कि -1, 1, 2 एंड 0। तो जैसे मैं क्या करूँगा, इस साइडों पे एब्सोल्यूट लाइनें लगा दूंगा तो यहाँ पे मैं मैट्रिसेस खत्म करके क्या बना दूंगा, अगेन लाइनें बना दूंगा। मतलब मैंने ये जो हमारे ब्रैकेट थी उसको खत्म करके सिर्फ सीधी सीधी लाइनें लगा दी। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही किसी मैट्रिक्स के बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू आती है या फिर यूं लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हमने फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज के -1 एंड 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने माइनस कर देना सेकंड डायगोनल एंट्रीज के मल्टीपल को, मतलब 2 और 1 के मल्टीपल को फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज के मल्टीपल से माइनस कर देना है। तो करने का तरीका क्या है, सिंपली आपने एक का मक्ता फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज -1 एंड 0 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, देन आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड डायगोनल एंट्रीज मतलब 2 एंड 1 को, और इन दोनों का मतलब इन दोनों का जो मल्टीपल है और इन दोनों का मल्टीपल जो है इन दोनों को आपने माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ से -1 एंड 0 इज 0, -(-2)2 देन 0 एंड -2, और आंसर आपके पास क्या होगा, -2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ए था उसका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट निकला वो क्या निकला, -2 निकला। कि हमने क्या कि हमने पहले उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, देन हमने फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को माइनस कर दिया, और दोनों को माइनस करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आया, -2 आया। इसी तरीके से मैं पार्ट बी की बात करता हूँ, वो पार्ट टू की बात करता हूँ जो कि जिसमें बी गिवन है हमारे पास। बी आपके पास क्या है, 1, 3, 2 एंड -2। अब इसमें भी सिंपली आप पहले मॉड लगाएंगे, मॉड इसे मैं मॉड का नाम भी देते हैं लेकिन हम इसे एब्सोल्यूट का भी नाम देते हैं, मॉड यूज़ कर लो, देन 1, 3, 2 एंड -2। अब सिंपली फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज में 1 और -2 आ रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड डायगोनल एंट्रीज में 2 और 3 आ रहा है, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उन दोनों को हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो इस केस में -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 और बाहर क्या पड़ा हुआ, माइनस, तो आंसर क्या होगा, -6। तो -2 एंड -6 आंसर आपके पास क्या होगा, -9। तो हमने बी का डिटर्मिनेंट निकाला जो हमारे पास क्या आया, -8 आया आपके पास।
तो हमने अभी सिंपली इसमें क्या किया कि आपने पहले उसे मॉड फॉर्म में लिखा है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है, देन आपने फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, सेकंड डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और दोनों को माइनस कर दिया। इसी तरह पार्ट सी भी इसी तरीके से होगा और पार्ट डी भी इसी तरीके से होगा। करना आपने वही है, सिंपली आपने पहले सी को लिखना है, सी की वैल्यू को लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि सी का जो मॉड है सी और डी को मॉड फॉर्म में लिख देना है और उसके बाद फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज, सेकंड डायगोनल एंट्रीज और दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। तो हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं, मतलब सी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम पार्ट थ्री को अगर देखते हैं तो पार्ट थ्री हमारे पास सी है और सी किसके इक्वल है, थ्री टू थ्री एंड टू। यहाँ पे देखें ये एक स्केयर मैट्रिक्स है तो मतलब इसका हम क्या ले सकते हैं, मॉड ले सकते हैं। तो मॉड लेने के लिए हम सीधी लाइनें लगा दी दोनों साइडों पर, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू। करने का तरीका वही हो गया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे थ्री इंटू टू आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हुई, देन आ गया माइनस ऑफ सेकंड डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हुई थ्री इंटू टू। मैं ब्रैकेट में इस वजह से लिख रहा हूँ कि कई बार हमारे पास एंट्रीज जो होती हैं वो माइनस की भी आ जाती हैं, तो हमें उसमें कोई मसला ना बने साइंस का, इस वजह से मैं हर वैल्यू को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो आपके पास क्या आ जाएगा सिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा सिक्स, तो सिक्स माइनस सिक्स आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो। तो मेरे पास जो सी का मॉड आया वो मेरे पास मतलब पार्ट थ्री का जो आंसर है वो क्या आया जीरो आ गया। इस तरीके से डी पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट की तरह चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है, वही काम जो हम पहले तीन पार्ट में करते आए हैं कि पहले आपने चेक करना है कि वो स्केयर है या नहीं। तो देखिए इसमें दो ही रोज हैं और दो ही आपके पास क्या है कॉलम है, तो अगर दो ही रोज है दो ही कॉलम है तो मतलब ये क्या हुआ, ये एक स्केयर है, मतलब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर ये दो अगर रोज और कॉलम की वैल्यू आपस में सेम ना होती तो हम इसका डिटरमिनेंट ही नहीं निकाल सकते थे। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का मॉड यहाँ पे थ्री टू वन एंड फोर। करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना, सेकंड डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना। मैं ये जो जो एरो लगा रहा हूँ ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लगा रहा हूँ, क्वेश्चन के दौरान में आपने ये एरो यूज़ नहीं करनी, अगर एरो यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। इस वजह से आपने क्या करना है, ये एरो यूज़ नहीं करनी, ले सिर्फ आपके लिए कि आपने देख लिया कि थ्री फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है और वन टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ट्वेल्व, यहाँ पर आ गया टू और आंसर आ गया आपके पास टेन। तो इस तरीके से हमारे पास जो पार्ट फोर है डी है उसका हमारे पास जो मॉड आया या डिटरमिनेंट आया वो क्या आया टेन आया। तो आज के लिए इतना ही है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी चीज़ इस पूरे मतलब जो लेक्चर के अंदर अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।